बस दिन में थी, उनकी ड्यूटी तो दिन में थी, पर वो रात को भी बुलाती थी उनको। जय हिंद। नमस्कार, राइफलमैन अमित सिंह। 14 सितंबर 2023 को राइफलमैन अमित सिंह की एक लॉज में असामयिक मृत्यु हो गई थी। अब ये मृत्यु है या फिर घटना है या फिर ये मर्डर है? सैन सर, इसलिए करें जब तक बच्चे का क्लियर नहीं है तो कैसे उसकी मौत हुई? आज 18 दिन हुए हैं और अमित सिंह के घर पे 17 जेक लाई की ओर से 2 बार 4-4 लोग आए थे। उन्होंने कोई बात नहीं बताई और अब एक हवलदार, कहने को तो वो 17 जेक लाइक सेंटर से अपने आप को बता रहे हैं कि मैं वहाँ से आया हूँ, लेकिन अमित सिंह के चाचा और अमित सिंह के पिता को ऐसा लगता है कि वो 17 जेक लाइक के ही हैं। वो लेके आए हैं डॉक्यूमेंट और उन डॉक्यूमेंट में राइफलमैन अमित सिंह की जो डेथ हुई है उसका कारण खाली छोड़ा हुआ है। पूछने पर वो बता रहे हैं कि ये कारण तभी लिखा जाएगा जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, जबकि कॉज ऑफ डेथ, कारण, डेथ सर्टिफिकेट के अंदर लिखा रहता है। और कॉमनली किसी की डेथ के बाद डेथ सर्टिफिकेट 3 से 4 दिन में मिल जाता है। इस डेथ सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो 17 जेक लाइक में ज़रूर पहुंच गई होगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट क्लेम है, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्लेम, जिससे कि राइफलमैन अमित सिंह को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 45-50 लाख रुपये मिलने, इसके अलावा जहाँ जहाँ से उसको ये क्लेम, डेथ क्लेम मिलने हैं, उन सब के लिए ये डॉक्यूमेंट बनके 17 दिन के बाद राइफलमैन अमित सिंह के घर पे उसके पापा के साइन करवाने के लिए पहुंच गए। इस बात पर राइफलमैन अमित सिंह के पिताजी का कहना है कि 17 दिन क्या, 17 महीनों में किसी किसी के कागज पूरे नहीं होते, और यहाँ पे 17 दिन में अधूरे कागज बिना पूरे फिल किए हुए राइफलमैन अमित सिंह के डॉक्यूमेंट घर पर पहुँच गए साइन करने के लिए। फौज को इतनी क्या जल्दी है कि उन डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया जाए जबकि डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट नहीं है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब तक इनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं ने मेरे को दिया, ये कैसे मेरे पर बोल रहे हैं कि जो सेंटर से आए हैं, हवालदार या नायक कोई भी है, ये बोलते हैं हम सेंटर से आए हैं, हमें तो प्रूफ नहीं सेंटर से आए हैं, चाहे झुंड से आए हों, चाहे नैन जैकलाई से हों, कहीं से हों, लेकिन ये जब तक उस बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो इन्होंने कागज कैसे तैयार कर दिए? और सेंटर को कोई हक नहीं है कागज तैयार करने का, ये झुंड भेजती है कागज तैयार करके, पूरे कोई भी कागज हो झुंड तैयार करके भेजेगी। झुंड ने हमें डेथ सर्टिफिकेट क्यों दिया उसका? ये इनके पास डेथ सर्टिफिकेट पहुंचा है सेंटर में, अगर पहुंचा है तो हमें बताएंगे डेथ सर्टिफिकेट किस कारण से डेथ हुई है, और ये इस बच्चे का अमित सिंह का डेथ सर्टिफिकेट गया जी, कुछ नहीं किया अभी तक। CEO ने, SM ने, किसी ने नहीं बताया, लोकल बंदे हैं वो भी नहीं बता रहे, ये कुछ नहीं बता रहे। 4 बंदे और इनके पहले आए थे, वो आए बैठ कर चले गए, उन्होंने मेरे से सवाल किया था, शायद मैं बताया भी है उन्हें, मैंने उनको वो बोले हम हमारी यूनिट साथ है, मैं साथ आया था, मेरे को उसके बच्चे का कारण बताओ कैसे जाते हो, बोले हम साथ हैं, मैंने बोला मैंने कोई वोट नहीं आपसे लेनी है, मेरे को क्लियर बताओ कि बच्चे को किसने मारा है। ये सेंटर से आए हैं, है 17 जैक लाई के, पता नहीं 17 के हैं, बोल रहे हैं 17 के हैं, सेंटर से आए हैं, पता इनको भी कुछ नहीं, इनको मोरा बना के यूनिट ने भेज दिया है कि आप जाओ, लेकिन हम यही चाहते हैं ओंकारी हो, CBI ओंकारी चाहते हैं हम। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो उनकी वाइफ थी सर की, उनको ये पहले नहीं पता था कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है, फिर जैसे ही उनको पता चला कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है, उनकी शादी है, तो फिर वो ज़्यादा तंग करने लगी उनको। ऐसा क्यों? अगर मतलब वो वहाँ पे बर्डी बनके काम करते थे, बर्डी कोई नौकर तो नहीं है, हमने उनको देश माता की सेवा के लिए भेजा है। इस सब के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सबसे बड़े गवाह अमित सिंह के चाचा है। अमित सिंह के चाचा को अमित सिंह ने मरने से पहले भी कॉल किया था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, आप मुझे न्याय दिलाना। तो जब भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है तो उसमें वो सब एविडेंस शामिल किया जाते हैं, जैसे कि लास्ट में किस किस को कॉल किया गया, क्या बात हुई, उन सब को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी केवल यूनिट लेवल के ऊपर हो रही है, अमित सिंह के चाचा और अमित सिंह की माँ को अभी तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की ओर से कोई पूछताछ नहीं की गई है। इसका मतलब एक तरफा इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को करके और फाइल को क्लोज करने का मकसद 17 जेक लाइक का है। मेरा नाम पवन चौधरी है, मैं अमित दा चाचा हाँ। सर ये जो डॉक्यूमेंट आए थे ना, जो सर ये अभी डॉक्यूमेंट आए हैं, इसके पहले 4 बंदे एक बार आए थे हमारे घर में, उसके बाद 4 आए हैं, उन्होंने कोई भी बात नहीं की हमारे साथ डॉक्यूमेंट के बारे में।
आज जे जो हमारे पास आर्मी सेंटर से आए हैं, जैकलाइज सेंटर श्रीनगर से आए हैं, इन्होंने थोड़ी सी बात की आज हमारे साथ, डॉक्यूमेंट दिखाए। ये फर्स्ट बार हुआ हमारे साथ जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं। जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, हमने भी सेना के अंदर नौकरी की, इतनी जल्दी तैयार नहीं होते। इनको जल्दी पड़ी ये साइन कराने की कि जल्दी साइन करो और कोटोंकारी को उधर ही दबा के एक कचड़े के अंदर डाल दो और काम ख़त्म। किसी ने भी हमारे को अभी तक इन्फॉर्म नहीं दी है कि आपकी कोटोंकारी चल रही है, कहाँ चल रही है, कौन कर रहा है, कुछ नहीं पता हमारे को। सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके दौड़ रहे हैं कि रतन सिंह को सैन मार दे, अमित का डैडी सैन मार दे, बाकी किसी ने हमारे कुछ नहीं बताया अभी तक। आज 17 दिन हो गए हैं, आज हमारा 17वां है उसका क्रियाकर्म घर में, तो उसका आज इन्होंने कहीं से बोला किसी अफसर को, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि अफसर को बोला उसके थ्रू हमारे घर में आए हैं, तो हमने बोला आओ वेलकम। हम किसी को कुछ नहीं ऐसे बोले, हमारा दिमाग ख़राब नहीं, हमारा बेटा चला गया, हमारे घर में मातम है पूरी उम्र के लिए, गाड़ी पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन आए हैं वेलकम। इनका शोक प्रकट किया इन्होंने हमारे घर में आके, हम बड़ा धन्यवाद करते हैं इनका। लेकिन डॉक्यूमेंट की बात रही, हम सैंड नहीं करेंगे, इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट सैंड नहीं होते। पहले हमारे को डेथ सर्टिफिकेट दें, उसकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई हुई है वो दिखाएं हमारे को, वो कुछ नहीं दिखा रहे। उसकी जो डॉक्यूमेंट है आपने देखा है अभी, उसके नीचे जगह खाली छोड़ रखी है कि कारण क्या है डेथ का, वो लिखे हैं ऊपर। हम उसको मानते हैं कि इस तरीके से डेथ हुई है, लेकिन ये कुछ नहीं बता रहे। ये जो आए हमारे घर में आर्मी के रिलेटिव सेंटर से, इनको भी कुछ नहीं पता है। और कॉमनली किसी की डेथ के बाद डेथ सर्टिफिकेट 3 से 4 दिन में मिल जाता है। इस डेथ सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो 17 जेक लाइक में ज़रूर पहुंच गई होगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट क्लेम है, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्लेम, जिससे कि राइफलमैन अमित सिंह को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 45-50 लाख रुपए मिलने, इसके अलावा जहां जहां से उसको ये क्लेम, डेथ क्लेम मिलने हैं, उन सब के लिए ये डॉक्यूमेंट बनके 17 दिन के बाद राइफलमैन अमित सिंह के घर पे उसके पापा के साइन करवाने के लिए पहुंच गए। इस बात पर राइफलमैन अमित सिंह के पिताजी का कहना है कि 17 दिन क्या, 17 महीनों में किसी किसी के कागज़ पूरे नहीं होते, और यहाँ पर 17 दिन में अधूरे कागज़ बिना पूरे फिल किए हुए राइफलमैन अमित सिंह के डॉक्यूमेंट घर पे पहुंच गए साइन करने के लिए। फौज को इतनी क्या जल्दी है कि उन डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया जाए, जबकि डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट नहीं है, इंक्वायरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि राइफलमैन अमित सिंह के घर वाले केवल और केवल CBI इंक्वायरी की ही बात कर रहे हैं। इसके लिए वो जम्मू ADC से मिले, जम्मू ADC ने उनको 4 दिन का वक्त दिया था कि गवर्नर से आपको मिलाएंगे, लेकिन उसके बाद 10-11 दिन हो गए, ADC की तरफ से दूसरा आश्वासन नहीं मिला कि गवर्नर साहब कब जम्मू आएंगे और कब उनसे मिलाएंगे। तो ये एक बड़ी विडंबना और एक खेल प्रशासन द्वारा भी राइफलमैन अमित सिंह के परिवार वालों के साथ में खेला जा रहा है। एक तरफ उनके घर में इतनी बड़ी घटना, दूसरी तरफ प्रशासन भी उसके साथ में मजाक कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, और क्या एक जवान की कोई कीमत नहीं है कि वो उसके साथ में कुछ भी कर दे सेना, तो उसके लिए न्याय के दरवाजे पूरे बंद रहेंगे, कोई उसको न्याय दिलाने वाला नहीं रहेगा कि हाँ चलिए स्वेते संज्ञान लेके भी उसकी जांच CBI से करवा ली जाए, या फिर ऐसी कोई एजेंसी से करवा ली जाए जिसके जरिए यदि जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ना हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, ना रक्षा मंत्रालय संज्ञान ले रहा है, और ना ही प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, और ना ही गवर्नर साहब संज्ञान ले रहे हैं। 17 दिन हो जाते हैं एक जवान के डेथ होने के बाद में, और कोई भी चर्चा नहीं है, केवल और केवल उसकी फाइल को क्लोज करने के लिए जो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के डॉक्यूमेंट उसके घर पर भेज दिए गए, और वो भी सब कुछ गुमराह करते हुए। जवान यूनिट से आता है डॉक्यूमेंट लेके, लेकिन कहा जाता है कि सेंटर से आया है। आज तक नहीं सुना कि किसी जवान की डेथ होने के बाद में जो डेथ क्लेम है उसके लिए सेंटर से कोई जवान आएगा साइन करवाने के लिए। उसी यूनिट की जवाबदारी होती है जिस यूनिट का वो जवान था, उसके कंपनी से, उसकी रेजिमेंट से वो डॉक्यूमेंट जवान के घर पर भेजे जाते हैं साइन करवाने के लिए, और जब साइन हो जाते हैं तो आगे क्लेम को प्रोसेस किया जाता है रिकॉर्ड ऑफिस को। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंटर से किसी हवालदार जी को भेजा राइफलमैन अमित सिंह के घर पे अमित सिंह के NOK से साइन करवाने के लिए। तो सब कुछ पूरा का पूरा गोलमाल हो रहा है। राइफलमैन अमित सिंह के चाचा ने कहा कि यूनिट से जो जवान आए थे, लोकल से भी पूछा जा रहा है, लेकिन सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है, कोई भी मुंह खोलने के लिए राजी नहीं है। लेकिन राइफलमैन अमित सिंह के परिवार वाले थकने को भी राजी नहीं है। उसका अंतिम क्रियाक्रम और जो भी डेथ के बाद में किया जाता है वो पूरा हो चुका है, और अब राइफलमैन अमित सिंह के चाचा ने हुंकार भर दी है कि हम CBI जांच के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं,
पूरे सैनिक समाज, पूरे पूर्व सैनिक संगठन और जितने भी आसपास के समाज के संस्थाएं हैं, उन सब का सपोर्ट राइफलमैन अमित सिंह के परिवार को मिल चुका है। और अगला जो कदम होगा राइफलमैन अमित सिंह के परिवार वालों का, वो होगा जम्मू में सीबीआई जांच के लिए धरना देना। इसके लिए अभी तक कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसके लिए तारीख निर्धारित की जाएगी। तो ये थी खबर राइफलमैन अमित सिंह की डेथ के 17 दिन बीत जाने के बाद में भी उनकी इंक्वायरी के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। यूनिट की तरफ से उनको धोखा मिला परिवार वालों को, तो प्रशासन भी उनको धोखा दे रहा है। क्या हमारे देश की प्रशासन न्याय व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि एक जवान जो परिवार का इकलौता माँ बाप का बेटा, बहनों का इकलौता भाई इस दुनिया से चला जाता है और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। कहने को तो बड़ा कहा जाता है कि जस्टिस फॉर जवान, जस्टिस फॉर अमित सिंह, लेकिन कहाँ गया जस्टिस? कौन दिलाएगा जस्टिस? क्या भगवान को उतर के आएंगे नीचे जस्टिस दिलाने के लिए? नहीं, इन्हीं प्रशासन और सीबीआई और न्यायालय, इनके द्वारा राइफलमैन अमित सिंह के परिवार वालों को और राइफलमैन अमित सिंह को न्याय दिलवाना है। लेकिन ये संस्थाएं अभी तक उनके परिवार को ये भरोसा नहीं दिलवा पाई कि आपकी हम मुलाकात गवर्नर से करवा देंगे और गवर्नर साहब बाद में सीबीआई इंक्वायरी के लिए आदेश दे देंगे। अभी भी वेट कर रहे हैं 11 दिन से कि हमें हमारे गवर्नर साहब से मिलाया जाएगा, जनता के गवर्नर साहब से मिलाया जाएगा। 17 दिन हो गए डेथ हुए, 11 दिन हो गए एडीसी साहब ने आश्वासन दिए हुए, लेकिन 11 दिनों में एक मिनट गवर्नर साहब के पास में नहीं है कि उस परिवार से मिलें जिस परिवार का सेना का जवान इस दुनिया से चला जा चुका है। काफ़ी दुखद घटना है साथियों, राइफलमैन अमित सिंह का परिवार ही जान सकता है इन सब घटना को, जिस परिवार में बीतती है वही बता सकता है। लेकिन इतना बड़ा हो जाने के बाद में भी न्याय के लिए अभी भी वो परिवार दर दर भटक रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर रखें और जस्टिस फॉर राइफलमैन अमित सिंह के लिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।